Hello everyone, welcome to medical channel Medico Sahil. Today we are discuss about RUHS BPT first year anatomy subject syllabus. तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार एनाटॉमी के सब्जेक्ट के सिलेबस को डिवाइड कर रखा है और किस प्रकार हम इसको ईजिली समझ सकते हैं. हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके ईजिली समझ सकेंगे. तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार उसको डिवाइड कर रखा है. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टैंड अबाउट सिलेबस डिवाइडेशन इन एनाटॉमी सब्जेक्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट वन. इसके अंदर हम पढ़े समझेंगे जनरल एनाटॉमी टॉपिक्स. पार्ट टू, इसके अंदर रीजनल एनाटॉमी टॉपिक्स. इसके अंदर ए पॉइंट के अंदर सुपीरियर एक्सट्रीमिटी के टॉपिक्स कवर होते हैं. बी पॉइंट के अंदर इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी के टॉपिक कवर होते हैं. सी के अंदर एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन के टॉपिक कवर होते हैं. और डी पॉइंट के अंदर थोरेक्स के टॉपिक कवर होते हैं. और पार्ट थर्ड के अंदर हम समझेंगे ए के अंदर हेड एंड नेक के टॉपिक, बी के अंदर नर्वस सिस्टम के टॉपिक, सी के अंदर क्रैनियल नर्व एंड डी के अंदर हिस्टोलॉजिकल प्रैक्टिकल के बारे में हम समझेंगे. मीन्स आगे हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के द्वारा पूरे एनाटॉमी सब्जेक्ट के सिलेबस को इजीली समझेंगे. तो अब हम समझेंगे एनाटॉमी सिलेबस के पार्ट वन के बारे में. पार्ट वन के अंदर जनरल एनाटॉमी का टॉपिक आता है. इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक सेल. इसके अंदर पार्ट नेम ऑफ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन विथ फंक्शंस, ये आते हैं. सेकंड टॉपिक के अंदर एपिथेलियम. इसके अंदर टाइप्स विथ एग्जाम्पल एंड लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये आते हैं. थर्ड टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू. इसके अंदर क्लासिफिकेशन विथ एम्फेसिस टू टेंडन्स, ये आते हैं. फोर्थ टॉपिक कार्टिलेज टाइप्स विथ एग्जाम्पल, ये आते हैं. फिफ्थ टॉपिक बोन्स. इसके टाइप्स विथ एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन स्टेज ऑफ ऑसिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई फ्रैक्चर रिपेयर, ये आता है. सिक्स टॉपिक जॉइंट्स. इसके अंदर क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल एम्फेसिस टू साइनोवियल जॉइंट. सेवन टॉपिक के अंदर मसल्स टाइप्स एंड डिटेल्स ऑफ ईएम पिक्चर नॉट रिक्वायर्ड. एट टॉपिक के अंदर नर्वस टिश्यू. इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन साइनेप्स रिफ्लेक्स डीजनरेशन रीजनरेशन ऑफ नर्व. और नाइन टॉपिक के अंदर एम्ब्रियोलॉजी. इसके अंदर एट टॉपिक के अंदर ओवम स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फर्म लेयर एंड देयर डेरिवेशन. बी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्किन फेशिया ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक्स, ये आते हैं. सी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड मसल्स. डी के अंदर न्यूरल ट्यूब ट्रेन वेसल्स स्पाइनल कॉर्ड. एंड एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ई पॉइंट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर, ये आते हैं. अब हम बात करेंगे एनाटॉमी सिलेबस के पार्ट सेकंड के बारे में. इसके अंदर हम समझेंगे कि इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है. इसके अंदर फर्स्ट रीजनल एनाटॉमी के अंदर पहले सुपीरियर एक्सट्रीमिटी के टॉपिक को देखेंगे. सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, इसके अंदर थ्योरी के अंदर टॉपिक ये कवर होता है एक्जिला ब्रेकियल प्लेक्सिस शोल्डर जॉइंट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एक्सिलरी लिम्फ नोड एल्बो जॉइंट सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म साइनोवियल बर्सा ऑफ हैंड एंड पामल स्पेस अल्नर नर्व इन हैंड क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डर्मेटोम्स क्लिनिकल एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी एंड प्रैक्टिकल एंड डेमोस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर पेक्टोरल रीजन एक्सिला स्केपुला क्लेविकल ह्यूमरस मसल्स ऑफ आर्म फ्रंट एंड बैक रेडियस फ्रंट ऑफ फोर आर्म अल्ना बेक ऑफ फोर आर्म मसल ऑफ आर्म एंड आर्टरीज आर्चेज आर्टिकुलेटेड हैंड कार्पल एंड मेटाकार्पल लैम एंड अरेंजमेंट इन ऑर्डर ओनली, ये आते हैं. और इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी के अंदर थ्योरी के अंदर लंबर प्लेक्सिस इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड हिप जॉइंट फ्यूमरल ट्राइंगल एंड फ्यूमरल शीथ नी जॉइंट वेनस ड्रेनेज ऑफ इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी शियाटिक नर्व एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टुरेटर नर्व आर्चेज आर्चेज ऑफ फूट मिड टार्सल एंड सब टालर जॉइंट क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मायोटॉम्स क्लिनिकल एनाटॉमी एंड सरफेस मार्किंग, ये आते हैं.
इसके प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के टॉपिक के अंदर हिप बोन, ग्लूटियस मसल्स, फीमर, फ्रंट ऑफ थाई, बैक ऑफ थाई, मीडियल साइड ऑफ थाई, टीबिया इंटीरियर के बाद कंपार्टमेंट ऑफ लेग, फिबुला, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, बैक ऑफ लेग, आर्टिकुलेटेड फुट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टार्सल एंड मेटाटार्सल टार्सल ओनली। इसके अंदर सी के अंदर एब्डोमेन एंड पेल्विक के टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एब्डोमिनल वॉल, इंग्वाइनल कैनाल, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी विथ यूरेटर एंड स्प्लिन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल एरोटा, पोर्टल वेन, डायफ्राम, सेक्रल प्लेक्सिस, सेक्रोइलियक जॉइंट एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क आते हैं। इसके प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर एब्डोमिनल विसरा, सैक्रम, बोनी पेल्विस, विसराज ऑफ पेल्विस एंड ब्लड वेसल्स, और पार्ट टू के डी पार्ट के अंदर थोरेक्स के अंदर थ्योरी पार्ट के अंदर थोरेसिक केज एंड मीडियास्टाइनम, हार्ट्स विथ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स, ब्लड वेसल्स, टिपिकल स्पाइनल नर्व, टिपिकल इंटरकोस्टल स्पेस, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, सरफेस मार्किंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स। और इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक के अंदर सुपीरियर मीडिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टर्नम, रिब्स, इसके ओनली जनरल फीचर्स, वर्टिब्रा आइडेंटिफिकेशन, जनरल फीचर्स, फंक्शनल कंपोनेंट डेवलपमेंट, वर्टिब्रल कॉलम विथ वेट ट्रांसमिशन, हार्ट, प्लूरा एंड लंग्स। मीन्स पार्ट टू के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट ए के अंदर सुपीरियर एक्सट्रीमिटी के टॉपिक, बी के अंदर इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी के टॉपिक, सी के अंदर एब्डोमिनल एब्डोमन एंड पेल्विक रीजन के टॉपिक, और डी पार्ट के अंदर थोरेक्स के टॉपिक को हमने देखा। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे हेड एंड नेक। इसके अंदर थ्योरी टॉपिक टीएमजे जॉइंट, टेम्पेरोमेंडिबुलर जॉइंट, अटलांटो ऑक्सीपिटल एंड अटलांटो एक्सियल जॉइंट, क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, एंड प्रैक्टिकल एंड डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक के अंदर माउथ कैविटी, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, इसके पार्ट्स एंड सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेनियल बोन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बोन, जनरल फीचर्स, डिफरेंट फॉर्मिना इन रिलेशन टू क्रेनियल नर्व, क्रेनियल फोसाज एंड देयर रिलेशन टू ब्रेन एंड हाइपोफाइसिस, ये आते हैं। और इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक विद देयर कंटेंट्स, ये आता है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये भी इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बीट टॉपिक नर्वस सिस्टम के टॉपिक्स। थ्योरी के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक विद देयर डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन के बारे में टॉपिक दिए गए हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड्स विद इट्स मेनिंजेस, स्पाइनल रिफ्लेक्स, पायरामिडल एंड एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक, डिटेल न्यूक्लियस, नॉट रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई, ये भी आते हैं। इसके अलावा फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रल हेमिस्फेयर, फंक्शनल एरियाज एंड ब्लड सप्लाई, ये थ्योरी के टॉपिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। एंड प्रैक्टिकल एंड डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये भी प्रैक्टिकल एंड डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक नर्वस सिस्टम के पार्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे क्रैनियल नर्व सी टॉपिक पार्ट थर्ड के। इसके अंदर नेम इन ऑर्डर इंडिविजुअल क्रैनियल नर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडिया अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अप्लाइड एनाटॉमी, ये आते हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल डी पार्ट के अंदर, इसके अंदर एपिथेलियम सिंपल एंड कंपाउंड, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन, मसल स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, नर्वस टिश्यू, न्यूरोन एंड ब्लड वेसल्स, लार्ज आर्टरी एंड वेन। इस प्रकार एनाटॉमी सिलेबस कवर होता है पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फॉर मोर स्टडी टिप्स न्यूमोनिक ट्रिक्स नोट्स एंड सिलेबस लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकल चैनल मेडिको साहिल थैंक यू.